हेलो, आप देख रहे हैं ऑटोमैक चैनल और आप देख रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि क्या मैंने ये चीज़ कौन सा कंपोनेंट पकड़ा है। तो थोड़ा शेप से आपको लग ही गया होगा कि किस जगह पे कंपोनेंट फिट होता है। और नहीं पता है तो वीडियो देखते रहें। टोटली इसके बारे में बताने वाला हूँ, फ्यूल गेज के बारे में बताने वाला हूँ और ये क्या सिस्टम है, कैसे ये वर्क करता है, फ्यूल गेज पे हमारा सिग्नल किस तरह से आता है। वो तो एक्चुअली ये जो फ्यूल टैंक है ये है एम्बेसडर कार का, हिंदुस्तान मोटर्स की जो कार थी एम्बेसडर कार उसका है, निकाला गया है। अभी मैंने इसको निकाला हुआ है, उसकी फ्यूल लाइन अलग की हुई है। तो यहाँ पे कहाँ है वो, अरे ये ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से मैंने जो फ्यूल लाइन है वो यहाँ से अलग कर दी है। और गाड़ी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये फ्यूल लाइन यहाँ से अलग कर दी है। और ये जो है ये वायर फ्यूल गेज की थी जो मैंने अलग कर दी। तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो है जो गेज को वायर जा रही थी वो मैंने डिस्कनेक्ट करी है। तो चलिए फिर इसको ओके, तो इसको मैं अभी ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या सिस्टम है, कैसे ये वर्क करता है। तो फ्यूल गेज को जो सिग्नल जाता है वो यहाँ से जाता है और इस यूनिट को बोलते हैं सेंडर यूनिट। तो कंफर्म कर लें कि इस यूनिट को बोलते हैं सेंडर यूनिट। तो मैं इसको अभी खोलने वाला हूँ। इसमें स्क्रू लगे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्क्रू लगे हैं। तो देखते हैं इसको खोल कर कि अंदर क्या है। तो अभी ऑलमोस्ट मैं इसको खोल चुका हूँ और हाथ से भी स्क्रू निकाल रहा हूँ। देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। ओके, ये इस तरह का सेंडर यूनिट निकलता है जिसके साथ ये रॉड लगी है और रॉड है अटैच्ड फ्लोट के साथ। तो ये फ्लोट इस तरह का होता है। तो इसके बारे में मैं ब्रीफली आपको डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर बाद। तो पहले इसके अंदर छान के देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखोगे कि आप थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा हुआ, बीच में कुछ गंद सा पड़ा हुआ, लकड़ी वकड़ी पता नहीं कैसे गिरी हुई है, बहुत पुरानी है, हो सकता है पहले कभी इस पर काम किया हो। अंदर इसमें चैम्बर बने होते हैं, मे बी मैं शायद आपको दिखाने की कोशिश करूँ बट आई थिंक विजिबल नहीं हो पा रहा है। ओके, मैं आपको पिक्चर डिस्प्ले कर देता हूँ कि इसमें बीच में चैम्बर किस तरह से बने होते हैं, शायद आपको थोड़ा सा दिख पाए यहाँ से। तो ये बीच में सेपरेशन की जाती है, डिवाइडेशन की जाती है फ्यूल टैंक के लिए, जिसमें फ्यूल स्टोर होकर रहता है। तो कैसे, कई बार फ्यूल गेज आपने देखा होगा कि बाइक में भी या गाड़ी में भी, कई बार जब हम उतराई या चढ़ाई पे जब चढ़ते हैं तो हमारा फ्यूल गेज भी डिफ्लेक्ट करता है, कभी वो ज़्यादा फ्यूल दिखाता है, कभी कम दिखाता है। बट ये तभी होता है जब हम चढ़ाई या उतराई पे गाड़ी जब लेके चलते हैं, क्योंकि ये जब टैंक, अगर मान लो गाड़ी उतर रही है नीचे की तरफ स्लोप पे, तो टैंक का पोजीशन इस तरह से हो जाएगा थोड़ा सा और फ्यूल आगे की तरफ जाएगा और फ्लोट जो है वो वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, जिससे कि हमें वो फ्यूल ज़्यादा दिखाई देगा। बट जैसे ही हम अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलाते हैं गाड़ी को तो फिर वैसे ही फ्यूल पीछे की तरफ आ जाएगा, फ्लोट फिर नीचे चला जाएगा। तो ऐसे होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा अपनी बाइक्स में या गाड़ी में भी होता है कई बार कि कम ज़्यादा फ्यूल शो कर रहा है लास्ट में। तो अब देखते हैं ये जो सेंडर यूनिट है इसमें क्या मैकेनिज्म है, तो चलिए समझते हैं फिर इसके बारे में। तो यहाँ पे ये देखोगे कि पूरा का पूरा सेंडर यूनिट है विद फ्लोट और बीच में ये एक मेटल रॉड है। ओके, मैंने आपको बता दिया कि फ्लोट किस तरह से बात कर, जैसे फ्लोट हमारा पानी टैंक में होता है, घर पर पानी की टंकियाँ होती हैं उसमें भी फ्लोट वर्क करता है, तो सेम मैकेनिज्म है। बट मेन जो है ये सेंडर यूनिट ये किस तरह से काम करती है, आपको पता है कि जब फ्यूल ऊपर नीचे होता है तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये फ्लोट इस तरह से ये वर्किंग करता है। तो बीच में जो ये यूनिट एक और यूनिट है इसके अंदर क्या है, तो मैं इसको भी खोलने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो है वो एक रजिस्टर रहता है, और जब फ्लोट इस तरह से वर्क करता है तो रजिस्टर, इसके अंदर जो रजिस्टर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट करता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कम ज़्यादा होता है, कम ज़्यादा कैसे होता है, क्योंकि अगर मान लो फ्लोट नीचे है
तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कम भेजेगा जिसकी वजह से वो फ्यूल गेज भी नीचे रहेगी, बट जब वो फ्यूल भर जाएगा इस तरह से, जब ऊपर की तरफ वो आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी ज़्यादा जनरेट होगा और जो फ्यूल गेज पे जो फ्यूल की लाइंस है जिसको हम बोलते हैं डंडे भी बोल देते हैं, तो फ्यूल के जो लाइंस हैं वो ज़्यादा आपको दिखते हैं कि फ्यूल टैंक आपका भरा हुआ है। तो ये डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेशन पे। और इसका जो कनेक्शन होता है ये आप देख पा रहे हैं, ये निकल गई तार, पुरानी तार थी तो ये यहाँ पे अटैच थी, पहले आपने देख ही लिया। तो यहाँ से एक कनेक्शन ये तो जा रही थी हमारी गेज को, फ्यूल गेज को, बट दूसरा पावर जो आएगी वो आएगी बैटरी से। एक कनेक्शन इस वायर में और होता है तभी ये बैटरी से वर्क करता है। तो चलिए अंदर खोल के दिखाते हैं क्या है। तो मैं इसके खोल के दिखाता हूँ अंदर कि क्या इसका मैकेनिज्म है। तो उसके लिए मुझे ये वाले दो जो स्क्रू हैं ये निकालने पड़ेंगे। थोड़ा रस्ट लगा हुआ है इस पर क्योंकि काफ़ी टाइम से ये निकले नहीं है। ओके, ये खुल गया एक, अभी सेकेंड वन, थोड़ा सा रस्ट लगने की वजह से ये जाम हो गए हैं, तो ज़्यादा जोर लग रहा है खोलने पर। अब मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ कि क्या है, फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ। इसकी असेंबली इस तरह से थी, तो मैंने ये वाले नट दोनों खोल दिए हैं और खोल के अंदर से किस तरह का दिखेगा ये। ओके, तो ये फ्लोट, ये हमारा मेटल रॉड, और मेटल रॉड अंदर किसके साथ कनेक्ट रह रही है, अंदर रह रही है ये आप देख पा रहे हैं रजिस्टर है बीच में, ये जो आप देख पा रहे हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है यहाँ पे। ओके नाउ, ये चीज़ आप देख पा रहे हैं ये है रजिस्टर जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट करता है और इस वायर के थ्रू ये भेजता है हमारा जो फ्यूल गेज है आगे, क्योंकि जब भी फ्लोट ऊपर नीचे वर्क करता है कि अगर फ्लोट, अगर जैसे ऑयल कम फ्यूल कम होगा टैंक में तो फ्लोट नीचे रहेगा, नीचे रहेगा तो ये कम सिग्नल जनरेट करेगा। जब ये फ्लोट ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि जब हम फ्यूल भरवाते हैं तो एक फ्लोट जब ऊपर की तरफ आएगा तो सिग्नल ज़्यादा जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करते करते करेगा, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे मैं क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। लाइट में जैसे मैंने कहा कि ये रजिस्टर है और पीछे आप देख रहे हो कि ये रॉड है, मेटल रॉड, और ये हमारा फ्लोट बॉल। तो जब फ्लोट बॉल ऊपर करता है तो आप देखोगे कि रजिस्टर के ऊपर एक पत्ती सी है बीच में। स्टेबल करने की कोशिश करता हूँ, अभी देखोगे आपको दिख रहा है शायद यहाँ पे, दिस वन ये रेड सी दिख रही है आपको। ये जो मेटल स्ट्रिप है ये रजिस्टर के ऊपर इस तरह से मूव करेगी जब फ्यूल कम ज़्यादा होगा। फ्यूल कम ज़्यादा होगा मीन्स हमारा जो फ्लोट है वो ऊपर नीचे जो है वो घूमना शुरू करेगा। तो अब मैं फ्लोट को ऊपर नीचे की करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमारा फ्यूल कम ज़्यादा फ्यूल टैंक में तो फ्लोट हमारा ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा इस तरह से। होप आप इस चीज़ समझ रहे हो। जब ये फ्लोट ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा तो ये मेटल स्ट्रिप आप देख पा रहे हैं अंदर, तो ये रजिस्टर के ऊपर मूव कर रही है। तो मीन्स नीचे की तरफ अगर जब ये जाएगी, जैसे मान लो अगर इधर की तरफ गई, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कम जनरेट करेगा, बट जैसे ये टच करते करते, जैसे फ्लोट ऊपर जा रहा है, फ्लोट ऊपर जा रहा है और ये टच करते 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 जब ऊपर की तरफ जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ज़्यादा जनरेट होगा, जो कि ये जो आप नीली वाली वायर देख रहे हैं ये वाली, इस वायर के थ्रू होते हुए फ्यूल गेज तक जाएगा जहाँ पे आपको फ्यूल गेज का रीडिंग जो है वो आपको शो होता है। तो होप आप इस वीडियो को समझे हो, और समझे हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड बटन दिया गया है सब्सक्राइब लिख कर, उसको आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल, साथ में शायद बेल आइकन वाला बटन होगा वो भी क्लिक कर लें, वीडियो अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, और चैनल भी सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो भी शेयर करें वीडियो को। अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।